बेलगाम डॉलर कैसे काबू में आया, मजीद कितना सस्ता हो सकता है, हवाला हंडी का नेटवर्क कितना बड़ा है, क्या स्मगलिंग सोने के सट्टाबाज करप्ट सरकारी हकाम के साथ डॉलर माफिया का गठजोड़ है, क्या डॉलर फिर यूटर्न ले लेगा। ये वो सवाल जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डॉलर की कीमत में कमी की हकीकत क्या है, क्या ये मजीद सस्ता होगा, आज हम इस पे बात करेंगे। मुल्क भर में ज़खीरा अंदोजी और स्मगलिंग के दौरान डॉलर्स माफिया के लिए एक महीने से जो क्रैकडाउन जारी है, इसमें पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में इंटर बैंक में डॉलर की कदर में तकरीबन 22 रुपये जबकि ओपन मार्केट में 40 रुपये की कमी हो गई है। एक्सचेंज बिजनेस के बारीकियों को समझने वालों ने कहा मानना है कि डॉलर की गैर कानूनी तजारत पर इस बार तगड़ा हाथ डाला गया है। डॉलर माफिया के खिलाफ इस बार हिकमत अमली तब्दील हुई है। चेयरमैन फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन मलक बोस्तान का कहना है कि इस बार बैंक भी डॉलर का रेट गिरा रहे हैं, डॉलर क्योंकि बैंकों को भी इस बार सख्त पैगाम दिया गया है और अब बैंकों में भी मैनिपुलेशन नहीं हो रही। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर प्राचा का कहना है कि डॉलर पहले फेज में 250 और इसके बाद 200 रुपये से भी नीचे आना मुमकिन है। करेंसी डीलर्स, बैंक्स और हुकूमत समेत आला अहदेदार डॉलर को पहले 250 रुपये पर लाने पर मुत्तफिक हैं और इसके बाद 200 रुपये से भी नीचे आ सकता है क्योंकि खित्ते के दीगर ममालिक में ये डॉलर 100 रुपये के अंदर अंदर है। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलक बोस्तान ने इंकशाफात किए हैं कि अहम अहदेदारों के सरकारी अकाम की रिश्वतबाजी, स्मगलिंग, करप्शन और भारी रकम बड़े पैमाने पर डॉलर और सोने में मुंतकिल होती हैं।